दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे आप वीडियो देख के बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हैं। देखिए वैसे तो हमारे पास टाइम बहुत कम रहा है और इतने कम टाइम में हम ज़्यादा वीडियो नहीं देख सकते, लेकिन कई वीडियो ऐसी होती है जिनको देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उन वीडियो को हम जल्दी से जल्दी किस तरह से देख सकते हैं कुछ मैं आपको टिप्स बताऊँगा। अब देखिए जैसे हम मान के चलते हैं ये हमारी एक वीडियो है, 17 मिनट की वीडियो है, इसे हम ओपन इस वीडियो को हम ओपन करके देखते हैं। ठीक है चलिए देखते हैं। सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमिजी नेट पर। दोस्तों आज हम पेपर फर्स्ट के अंदर एनवायरमेंटल अब देखिए दोस्तों ये हमने वीडियो चलाई, तो अब देखिए ये 17 मिनट की वीडियो है, इसे हम जल्दी से जल्दी किस तरह से देख सकते हैं जिससे हमें समझ में भी आ जाए और पूरा का पूरा जो वीडियो है वो भी चले। तो अब ये देखिए दोस्तों कॉर्नर पर आपको राइट साइड में 3 डॉट दिखाई देंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर है, ऊपर साइड यहाँ पे ये देखिए, जो यहाँ पे जब आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास प्ले बैक स्पीड यहाँ पे दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद में जैसे कि आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे 1.5 गुना ज़्यादा भी कर सकते हैं या फिर 2 गुना ज़्यादा स्पीड से भी चला सकते हैं। जैसे कि हम 1.5 गुना ज़्यादा इस पर 1.5x पे करते हैं क्लिक, तो अब हम वीडियो चला के देखते हैं कैसी ये चलती है। पॉल्यूशन करने वाले हैं और दोस्तों इसमें से आज तक बहुत से क्वेश्चन आए हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वैसे तो काफ़ी तरह का हो सकता है, जैसे अब देखिए दोस्तों कितना ये फास्ट हो गई ये वीडियो, यानी कि हमें वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरी वीडियो देखेंगे लेकिन 17 मिनट के नहीं, 17 से वो करीब 10 मिनट पे आके रह जाएगी वीडियो। अगर हम 2 गुना स्पीड पे वीडियो को देखते हैं तो वो 17 मिनट की वीडियो करीब 8 मिनट के अंदर हम देख सकते हैं। तो एक सबसे पहला जो टिप्स था ये था दोस्तों कि आप जल्दी से जल्दी किस तरह से देख सकते हैं। और दूसरी एक और चीज़ है दोस्तों कि अगर आपको बीच में कुछ चीज़ स्किप करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। वैसे तो वीडियो आगे बढ़ानी है तो आपको 2 बार उंगली दबानी है राइट साइड में और ये 10 से 20 सेकंड आगे सरक जाएगी, आप देख सकते हैं, ये सभी को पता होता है। और एक और जो चीज़ है दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मान के चलिए आप वीडियो देख रहे हैं और आप पूरी वीडियो नहीं देख सके और आपको लगा कि किसी ने कोई आपको काम कह दिया है, तो आप देखिए ऊपर देखिए प्लस का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप इसमें वॉच टू लेटर कर सकते हैं और वॉच टू लेटर करके इस पर डन कर दीजिए, तो ये जो वीडियो आपकी सेव होगी दोस्तों, इसे आप बाद में चेक कर सकते हैं, बाद में इसको देख सकते हैं। और भी कई चीज़ें दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बताऊं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अब हम बैक चलते हैं, अब देखिए अब इसके अंदर जैसे हम प्लेलिस्ट के अंदर जाते हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट के अंदर गए, यहाँ पे हमने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, जैसे कि एनवायरनमेंट की ये दे रखी है, फिर हायर एजुकेशन की, रिसर्च की सभी हमने दे रखी है। और लास्ट में जैसे 2019 दिया हुआ है, ये क्या है कि 2019 नए सिलेबस के अनुसार हमने तैयार की है, तो यहाँ से भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई वीडियो रह जाती है तो यहाँ से देख के स्टडी कर सकते हैं। और एक और जो चीज़ है दोस्तों, अगर आप वीडियो चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं अभी, और अगर आप चाहे तो दोस्तों इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा डाउनलोड का ऑप्शन है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप बाद में देखना चाहे कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक और जो चीज़ है दोस्तों, कई दोस्तों से सुनने को मिलती है कि वो कहते हैं कि वीडियो की जो क्वालिटी है वो बहुत कम है, तो उसके लिए दोस्तों दोबारा से आपको 3 डॉट पे जाना होगा और यहाँ पे ये देखिए क्वालिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप 480 या फिर 720p पे देखिए, 480 और 720 पे क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी दोस्तों, तो इन पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ बेसिक टिप्स, अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो देखने में तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।